सामाजिक शांति के लिए लड़ने वाले हैं हमारा साथ दो, साथ दो, साथ दो। महिला पे अब लड़ने वाले हैं हमारा साथ दो, साथ दो, साथ दो। अरे धार्मिक फासिज्म नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे जनता में फूट नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे अल्पसंख्यक को अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। को अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक को अत्याचार हो रहे हैं, बांग्लादेश और कश्मीर में अल्पसंख्या और मेजोरिटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको प्रशासन को तुरंत बंद करना होगा, बंद करना होगा, बंद करना होगा। अफगानिस्तान के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको तुरंत बंद करना होगा, बंद करना होगा, बंद करना। अरे दलित आदिवासी और मुस्लिमों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको तुरंत बंद करना होगा, बंद करना होगा, बंद करना होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई भाई। हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई भाई। हम ये आज प्रोटेस्ट के लिए यहाँ जमा हुए हैं। इसमें बहुत सारे मुस्लिम संगठन नॉन मुस्लिम संगठन है। इसका मकसद ये है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जिस तरह के वहाँ व्यवहार हुआ है, उनके साथ वहाँ पर जो उनको तोड़फोड़ हो गया मंदिरों का और लोगों के कत्लेआम और उसकी मजम्मत करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए। हम चाहते हैं कि दुनिया में कहीं पर भी किसी इंसान का खून बहना नहीं चाहिए, वहाँ माइनॉरिटी में हो या के मेजॉरिटी में हो। अफगानिस्तान के अंदर शियाओं के खिलाफ आईएस ने जिस तरह मसाजिद के अंदर बम्बार्डमेंट करा उसके भी हम मजम्मत करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर और दूसरे इलाकों में जो मुसलमानों के साथ व्यवहार हो रहा है उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। कश्मीर के अंदर जो हमारे पंडितों और गैर मुस्लिमों के साथ जो उनका हत्या हो रहा है, उनका कत्लआम हो रहा है, उसका भी हम मजम्मत करते हैं। हम तमाम लोगों से चाहते हैं कि नहीं, हमको इस दुनिया में अमन के साथ रहना है। एक अमन पसंद लोग हम लोग हैं, इस मुल्क को अमन पसंदी से रहने दिया जाए। पूरी दुनिया में अमन पसंद होना चाहिए और बिलखसूस बांग्लादेश गवर्नमेंट से हमारी इल्तिजा है कि फौरन वो फसादात के रोकथाम करें और जो कसूरदार है, अभी पता लगा कि वो जो कुरान शरीफ रखने वाला एक मुसलमान था उसको फौरन हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए।